मुख्यमंत्री जी की जो शैली है, कार्यशैली है, उससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की टिकट से मुझे लड़ने का काम मिला और मुझे अवसर भी दिया गया। चाहे वो पक्ष का विधायक हो, चाहे विपक्ष का विधायक हो, हर एक को 5 करोड़ रुपए का काम कराने का काम किया। चाहे वो एक विधायक है, चाहे वो अफसर है, वो एक पब्लिक सर्वेंट है। और कम से कम इंसान अगर जिसका सर्वेंट है तो उसको उसके साथ तो सलूक को अच्छा करना है। भाखड़ा का पानी जो जींद में लाने की कोशिश है, आप ये मान के चलिए अगर वो पानी जींद में आ जाता है, जींद के लोगों को एक अच्छा पानी पीने का लिए मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी, संवाद दिनेश के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा के लिए जो शख्सियत मौजूद हैं, उनका बहुत छोटे से राजनीतिक सफर के अंदर जिस तरह से उन्होंने हरियाणा की राजनीति में लोहा मनवाया, यह सबने देखा। 2019 के बाई इलेक्शन में विधायकी जीतने वाले, वो भी बड़े बड़े सुरमाओं के सामने, दिग्विजय चौटाला और रणदीप सुरजेवाला जैसे लोगों को हार दिखाने वाले डॉक्टर कृष्ण मिड्डा आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिन्होंने लास्ट विधानसभा इलेक्शन में भी पूर्व मंत्री मांगेराम गुप्ता जी के सुपुत्र महावीर गुप्ता जी को हार दिखाई और फिर से अपनी विधायकी पे और अपनी विरासत को संभाला। विधायक के रूप में आज हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं चर्चा के लिए, स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। जी शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपके पेशे से स्टार्ट करता हूँ। बाय प्रोफेशन आप डॉक्टर हैं और हालात जिस तरह के चल रहे हैं हम सभी जानते हैं कि जिन हालात में अभी हम सब जी रहे हैं पिछले 3 महीनों से या 4 महीनों से तकरीबन, तो क्या लगता है आपको एक डॉक्टर होने के नाते किस तरह से आप देख रहे हैं इस चीज़ को? देखिए, मैं विधायक होने के बावजूद भी क्लिनिक पे समय देता हूँ। जब मेरे पिता 2009 में इलेक्शन जीते थे, इलेक्शन जीतने के बाद भी लगातार क्लिनिक पे अपना समय देते थे। और आज के जो हालात हैं, क्योंकि इस वायरस का अभी तक कोई इलाज मिल नहीं रहा, लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं देश की कोई ना कोई हल मिल जाए, कोई ना कोई इलाज मिल जाए, लेकिन इसका इलाज अगर हम देखें तो स्वयं हम लोग ही इसका इलाज है। जिस प्रकार से कोविड के नियम हैं, उन नियमों का हम लोग पालन करें और साथ में घरेलू चीज़ें हैं जैसे कि लौंग है, इलायची है, आपका दालचीनी है, काली मिर्च है, सीटा मिश्री है, मुलट्ठी है, इसका आप काढ़ा बना के अगर रूटीन में प्रयोग करें, क्योंकि ये सब चीज़ें इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाली। एक बात तो इस बीमारी को लेकर चलते तय हुई कि जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर मजबूत रहेगी वही व्यक्ति रहेगा। तो सरल सी बात है कि हमें उन सब चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए दिन की चर्या में जो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। कर्मभूमि के रूप में जींद आपका क्षेत्र माना जाता है, वहाँ पर आप अपना राजनीतिक और पर्सनल जीवन यापन जिस तरह से आप कर रहे हैं, तो जो डॉक्टर होने के नाते आपके क्लिनिक पे, आपके हॉस्पिटल पे जब लोग आते हैं, तो अब उनके लिए किस तरह से आप देख रहे हैं उनके इलाज में किस तरह की सलाह या किस तरह का आगे का आप उनको गाइड करते हैं? जितने पेशेंट आते हैं, जो भी उनको डिजीज होती है, उनके मुताबिक उनको दवा दी जाती है और साथ में भी दुआ भी दी जाती है, क्योंकि बड़े डॉक्टर साहब जो थे वो साथ में दवा के साथ साथ दुआ जरूर देते हैं। उस माँ भगवती की असीम कृपा है। और जो ये काढ़ा मैंने आपको बताया, सुबह उस माँ भगवती का प्रसाद के रूप में हम लोग उस माँ भगवती को प्रसाद लगा कर लोगों को इस काढ़े को फ्री में बांटने का काम करते हैं। और जिसको भी बीमारी हो या ना हो, प्रत्येक व्यक्ति को 5-10 पुड़िया दे दी जाती है कि आप घर में अपने मेम्बर्स को काढ़ा बना के इसे पिलाने का काम करें। क्योंकि जहाँ मेरा मानना है, मेरे पिताजी का, सारे परिवार का मानना है कि जहाँ दवा काम करती है वहाँ दुआ बहुत ज़्यादा काम करती है। मैं भी BMS डॉक्टर हूँ, बड़े डॉक्टर साहब RMP डॉक्टर थे, और जींद में इतने बड़े बड़े डॉक्टर होने के बावजूद भी जिन्होंने MBBS MD की हुई थी, तब भी लोग डॉक्टर साहब पे ज़्यादा विश्वास करते थे। डॉक्टर साहब, अब आपका राजनीतिक सफ़र भी पैरेलल चल रहा है आपकी इस मेडिकल फील्ड के साथ साथ, तो कैसे आप सिचुएशन को संभालते हैं? अब अपना क्लिनिक हॉस्पिटल को भी पूरा देखना, मरीजों को भी देखना और अपना राजनीतिक जो जिम्मेदारी है उसे भी निर्वहन करना? देखिए, सुबह क्लिनिक पे समय देता हूँ, अगर उस समय में लोग आते हैं अपनी समस्या को लेके, तो आप उनकी समस्या का भी समाधान वहीं करता हूँ और साथ में जो दवाई लेने आते हैं वो भी अपनी समस्या साथ के साथ बतला देते हैं, तो दोनों ही काम तो साथ के साथ चलते हैं। जहाँ ये हमारा प्रोफेशन है वहाँ लोगों की समस्याएं का भी हल होता है और करना भी चाहिए। और हम अपना प्रोफेशन अगर छोड़ देंगे, जो बड़े डॉक्टर साहब की देन है, अगर हम उसी छोड़ देंगे जिस पर माँ भगवती की इतनी कृपा, तो फिर आदमी को, वो कहते हैं ना, आदमी को अपनी जमीन नहीं छोड़नी चाहिए, राजनीति का अपनी जगह। और लेकिन ये डॉक्टर साहब, अब जो आपकी पार्टी है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसका एक नारा रहा है कि मुझे विकास करना है। खट्टर सरकार हमेशा विकास को मुद्दा लेकर, विकास की बात करके हरियाणा में हमेशा से पिछले 2 टर्म से वोट लेती आई है। किस तरह से देख रहे हैं आप जींद में भी अब विकास के कुछ नए पैमाने होंगे? देखिए, बिल्कुल सही है, माननीय खट्टर साहब ने जो बात कही थी कि मैं विकास को लेकर चलूँगा। अगर हम जींद में ही लेके जाएं, सरकारें आती रही जाती रही,
लेकिन जींद का विकास किसी ने भी नहीं किया। जींद मात्र एक रैलीगढ़ बन के रह गया। कोई भी नेता था उसका एक लक्ष्य रहता था कि मैं अपनी रैली की शुरुआत जींद से करूं, लेकिन जींद के विकास के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा। एक समय रहा जब जींद में भजनलाल जी के समय में चार चार मंत्री भी रहे, तब भी जींद का विकास नहीं हो पाया। अब अगर आप जींद के सराउंडिंग देखेंगे तो जो जींद का मान्य हुड्डा साहब के समय से अटका हुआ था, जिसकी ओपनिंग मान्य चौटाला साहब ने की थी, बाईपास था जो लगभग 700 करोड़ रुपये की लागत से पूरा हुआ। इसी प्रकार से तीन तीन ब्रिज बन चुके हैं, बन रहे हैं, तो लास्ट मोमेंट्स पे 20 करोड़ रुपये की लागत से जींद में एक नया बस स्टैंड बना है, और एक 400 करोड़ रुपये की लागत से एक मेडिकल कॉलेज जिसे मेरे पिता स्वर्गीय डॉक्टर हरिचंद मिड्डा जी ने लाने में जींद में कामयाब हुए। उसमें मान्य खट्टर साहब ने बहुत योगदान दिया, जबकि रात्रि के समय बड़े डॉक्टर साहब मान्य मुख्यमंत्री से मिले, मान्य मुख्यमंत्री जी ने हाँ कर कर मोहर लगाने का काम किया कि इसको उचाना की बजाय से जींद में ही बनाया जाएगा। आपके पिता स्वर्गीय डॉक्टर मिड्डा साहब इनेलो से विधायक रहे और अब आप भाजपा के साथ विधायक जी, तो ये क्योंकि परिवार में तो जो आपने शुरू से देखा, जो आपके फादर साहब जिन रीति नीतियों को फॉलो करते थे इनेलो के साथ जिस तरह से जब उनका था, और अब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो कहीं ना कहीं रीति नीतियों में कुछ सामंजस्य की स्थिति बनाने में कोई कठिनाई नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, उस परिवार ने भी हमें बहुत प्यार दिया, लेकिन हालात ऐसे कुछ थे कि जींद का विकास जो काफ़ी समय से रुका हुआ था उसको मद्देनजर रखते हुए और मान्य मुख्यमंत्री जी की जो शैली है, कार्यशैली है, उससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की टिकट से मुझे लड़ने का काम मिला और मुझे अवसर भी दिया गया। और मैं ये भी कह सकता हूँ जो अवसर मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया और लोगों ने उस पर मोहर लगाने का काम किया, तो आप जो ये एक साल का लगभग पीरियड है इसमें आप देख सकते हैं कि जींद लगातार तरक्की की ओर बढ़ रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब जींद से बाहर की बात करें, अगर मतलब पूरे हरियाणा की अगर हम बात करें, तो विपक्षी पार्टियां बार बार ये हमले कर रही हैं, हालांकि उनका काम है क्योंकि विपक्ष हमेशा ये काम करता है, लेकिन बड़े पुरजोर तरीके से वो इस एक बात पे अड़ी हैं कि यहाँ पे गठबंधन नहीं ठगबंधन ज़्यादा है और भ्रष्टाचार हो रहा है, घोटाले हो रहे हैं, तो ये कैसे क्यों है ये? देखिए वो लोग चर्चा कर रहे हैं जो स्वयं घोटालों में संलिप्त पाए गए और वो ऐसा कहते हैं कि कोई काम नहीं हो रहा या ऐसा कुछ नहीं हो रहा। एक बात तो मान के चलनी पड़ेगी, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात की कि सबका साथ सबका विकास। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चाहे वो पक्ष का विधायक हो चाहे विपक्ष का विधायक हो, हर एक को 5 करोड़ रुपए का काम कराने का काम किया। आज अगर कोई विधायक ये कहता है कि हमारे साथ पक्षपात हो रहा है तो वो गलत कह रहा है। आप पुराने समय में जाइए, जब जब सरकारें रही तो प्रत्येक सरकार ने अपने ही विधायकों का काम करने का काम किया, और ये पहली ही सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की, खट्टर साहब की ऐसी पहली सरकार है जिन्होंने प्रत्येक विधायक को उसका महत्व, उसका ये समझाने का काम किया कि आपको भी उतना ही अधिकार है जितना पक्ष को अधिकार है, उतना आपको भी अधिकार है कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करें। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी टर्म है ये, बावजूद पिछले दिनों ये मामला बड़ा मुखर था जिसपे शायद विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी ने भी ये बात सभी विधायकों के साथ की और सभी ने एक सुर में कहा था कि जो अफसरशाही है वो बहुत ज़्यादा हावी है, तो क्या जींद में भी आप कहीं ना कहीं इस चीज़ से, इस समस्या से परेशान हैं? देखिए ये बात तो कही जा रही है कि अफसर शाही ज़्यादा है, लेकिन हर इंसान के अपने काम कराने का तरीका होता है। कुछ लोग करते हैं तो उन लोगों, कुछ ऑफिसर अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें समझा दिया जाता है कि अगर आप ऐसा करेंगे, क्योंकि हम लोग चाहे वो एक विधायक है चाहे वो अफसर है, वो एक पब्लिक सर्वेंट है, और कम से कम इंसान अगर जिसका सर्वेंट है तो उसको उसके साथ तो सलूक को अच्छा करना चाहिए। कोई भी विधायक है वो अपने काम के लिए नहीं जाता, वो पब्लिक के काम के लिए ही। डॉक्टर साहब शायद इतनी हल्की बात नहीं थी ये, क्योंकि हरियाणा के करीबन सभी विधायकों ने एक स्वर में ये बात कही थी। नहीं देखिए ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि कहीं ना कहीं इस चीज़ का नाजायज फायदा तो ऑफिसर उठाते ही हैं, वो चाहे सरकार कोई भी रही हो, प्रत्येक सरकार में ऑफिसर इस बात का फायदा तो उठाते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और हमारे माननीय HM साहब, माननीय विद साहब ने भी ये कहने का काम किया कि अगर किसी भी ऑफिसर को अगर हरियाणा में काम करना है तो उन्हें विधायकों की सुननी पड़ेगी, नहीं तो वो छोड़कर जा सकते हैं। अब इतनी बुलंदी से कहने के बावजूद मुझे नहीं लगता कि कोई ऑफिसर इस बात को नज़रअंदाज करे। बाई इलेक्शन में आप जब पहली बार MLA बन के आए तो उसके बाद और मेन विधानसभा इलेक्शन अक्टूबर में जब हुए हैं तो वो समय थोड़ा अंतराल थोड़ा कम था, क्योंकि अब आप फुल फ्लेज्ड प्रॉपर अब आपका ये समय चल रहा है, तो किस तरह से नए विकास के सिस्टम को आप देख रहे हैं आने वाले समय में, जींद को ऐसे क्या नए प्रोजेक्ट आप देने लगे हैं? देखिए कि मेरे पिताजी का जो सपना था मेडिकल कॉलेज, सबसे पहले तो उस मेडिकल कॉलेज को पूरा करवाने का काम किया जाएगा, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने एक बात रखी थी जो लगभग 450 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है कि भाखड़ा से जींद में पानी लाया जाए,
और उस पर काम चल रहा है, जगह तलाशी जा रही है। तो और ई भूमि पर भी कुछ किसानों ने उस जगह को देखा। भाखड़ा का पानी जो जींद में लाने की कोशिश है, आप ये मान के चलिए अगर वो पानी जींद में आ जाता है, जींद के लोगों को एक अच्छा पानी पीने का लिए मिलेगा, और ये जींद के लिए दोनों चीज़ें बहुत बड़ी सौगात होंगी। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी कहा जाएगा, कोई एक बड़ा कारखाना, एक बड़ा प्रोजेक्ट जींद में आए, ताकि जींद के युवाओं को कहीं ना कहीं नौकरी मिलने का काम हो, और थोड़ा बेरोजगारी पर भी फर्क पड़े जींद कहीं के। ना कहीं आपको ये समस्या भी लगती है कि ज्योग्राफिक दृष्टिकोण से साइड में है जींद, मेन लाइन पे नहीं रहता, हाईवे कोई बड़ा नहीं जा रहा, चाहे वो हिसार वाला हाईवे हो या पंजाब वाला हाईवे हो, जो सोनीपत बड़े जैसे शहर हैं या देखिए, रोहतक वाला बेल्ट है। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जींद को कोई बड़ा हाईवे नहीं छूता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से अब जींद को 6-6 हाईवे से जींद को जोड़ा जा रहा है, जिसमें ये मान के चलिए कि जींद की हर दृष्टि से जींद में एक अच्छा फायदा मिलने का काम करेगा। आज चाहे वो रोहतक को हो, एक अच्छे 6 लाइन से जोड़ा जा रहा है, और चाहे वो आपका सोनीपत हाईवे हो, इसी प्रकार से चाहे नरवाना वाला, हर एक को जींद को एक अच्छे ढंग से जोड़ा जा रहा है, और मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में जींद काफ़ी तरक्की और तरक्की करेगा। विपक्ष ने मंडियों में भी धान्यों की बात करी कि धान घोटाले हो रहे हैं, मंडियों में गुंडा राज है, तो क्या उधर भी देखिए आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी इस तरह की चीज़ें हैं? देखिए, विपक्ष ने अगर ये बातें कही हैं तो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ही बात कही कि इसकी जांच करवाई जाएगी, और जांच हो भी रही है। तो जबकि पूर्व की सरकारों में कोई आदमी आरोप लगाता था तो किसी प्रकार की कोई जांच नहीं होती थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उसकी जांच कराने के आदेश दिए, और जो जांच में आएगा वो तो आप सबके सामने आ जाएगा। आज प्रकाश टीवी के माध्यम से आज जींद की जनता को और हरियाणा की जनता को आप डॉक्टर होने के नाते अगर कोई सलाह देना चाहें। मैं तो सबसे यही निवेदन करूंगा कि परमपिता परमात्मा सबके रोजगार में तरक्की करे, जहाँ की जो 3 महीने से लगातार दिक्कत चल रही है, और माँ भगवती का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। सबसे एक ही निवेदन है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप कोविड के नियमों का पालन करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था पर भी फर्क आया है, तो इसको लेकर भी आप स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने का काम करें, ताकि हम अपने प्रांत को और हमारे अपने देश को मजबूत करने का काम करें। और प्रत्येक व्यक्ति से मेरा निवेदन कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने पर ही आप घर से बाहर निकले, या कहीं दूसरी स्टेट में जाना या कहीं डिस्ट्रिक्ट में जाना, तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने पर ही आप बाहर निकले, क्योंकि घर में आपके बच्चे आपका इंतज़ार करते हैं। ऐसा ना हो कि घर से बाहर जाने पर आप कुछ ऐसी कोरोना को लेकर अपने घर में आए, ताकि सारे परिवार को कहीं उसकी सजा ना भुगतनी पड़े। मेरा हर एक व्यक्ति से निवेदन कि आप ये समझ के चलें कि शाम को मुझे अपने घर आना है, ताकि यही सोचकर अगर हम चलेंगे तो आप कोविड के नियमों का अच्छे ढंग से पालन कर सकेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। सबका साथ सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी के मूल मंत्र पर काम करने वाले थे आज हमारे साथ चर्चा में डॉक्टर कृष्ण मिड्डा, जो कि जींद से विधायक हैं। साथ ही डॉक्टर होने के नाते उन्होंने जो हमें उपाय बताए या जिन नियमों का हमें पालन करना चाहिए, ये उनकी आप सभी से रिक्वेस्ट है। आज प्रकाश टीवी भी आपको डॉक्टर साहब की इन सभी रिक्वेस्ट और नियम की पालना करने की जो आग्रह है, आपको आग्रह करता है कि कृपया इन नियमों का पालन करें। फिर मुलाकात होगी किसी ना किसी मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार, स्टे सेफ। ताजा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।